आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया था, लेकिन इस सेम फ्रेज को डार्विन ने किसके लिए यूज किया था? दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें ये बताना है। अब ये तो हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन बहुत ही जाने माने एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में था। अब उस समय पर साइंटिस्ट एवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, लोग इसमें बिलीव भी नहीं करते थे, लेकिन डार्विन मानते थे कि सभी लाइफ फॉर्म्स में समय के साथ कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन इस एवोल्यूशन का रीज़न क्या है या किस मैकेनिज्म से एवोल्यूशन नेचर में होता है, इसके लिए सब साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी देते थे और डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन नाम की हमें एक थ्योरी दी थी। इसके हिसाब से कोई भी पॉपुलेशन है किसी इकोसिस्टम के अंदर, तो उसमें छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस होंगी जो कि एक पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेंगी। और जब ये वेरिएशंस हैं तो इनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो उस इंडिविजुअल की फिटनेस को एनहांस करेंगी, या हम कह सकते हैं कि अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए ये इनकी एबिलिटी को बढ़ाएंगी। तो इस तरह की जो फ़ायदेमंद वेरिएशंस हैं, बेनिफिशियल वेरिएशंस हैं, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में यही था कि नेचर में इनको प्रिजर्व किया जाता है या फेवर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो बेनिफिशियल वेरिएशंस एग्जिबिट कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग अपने हैबिटेट में छोड़कर जाएगा इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में जिनमें वो बेनिफिशियल वेरिएशंस नहीं है। तो धीरे धीरे होगा क्या, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने की वजह से एवोल्यूशन की या नेचुरल सिलेक्शन की इस प्रोसेस से ये वेरिएशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म की सक्सेसिव जनरेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और दूसरे एलिमिनेट हो जाएंगे या फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इसी को डिस्क्राइब करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक पॉपुलेशन के अंदर क्योंकि सिमिलर रिसोर्सेज उनको यूज़ करनी है तो इन रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन होता है और इस कॉम्पिटिशन में वही जीतता है जो अपनी फिटनेस की वजह से इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है दूसरों के कंपैरिजन में। तो क्योंकि एक कॉम्पिटिशन हो रहा है सेम रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो इसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का एक तरह से एक रिजल्ट है। जब स्ट्रगल होगा, कॉम्पिटिशन होगा, तभी उनमें से सबसे ज़्यादा फिटनेस किसकी है ये हमें पता लगेगा और सर्वाइव वही करेगा, सक्सेसिव जनरेशन्स में वही हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मिलेगा जिसकी फिटनेस ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही कर देंगे। नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन की थ्योरी से ही रिलेटेड है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा फिटनेस वाले ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन ऑप्शन डी सही कर देंगे क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कब होगा, जब पॉपुलेशन में कॉम्पिटिशन होगा या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अकर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।